कहते हैं इस वक्त मैं बुधवा के रास्ते से गुजर रहा हूँ और पत्रकार बंधु चला रहे हैं। उनके सफर को देखिए कि बाइक से हम लोग किस तरह से दो पत्रकार न्यादी न्यूज और नेशनल न्यूज वाले यहाँ निकल पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं प्रेस का लेबल लगा हुआ। ये समस्या है रोहतास गढ़ के लोगों का, आज आप खुद देखकर महसूस कर सकते हैं कि कैसे ही लोग यहाँ सफर करते होंगे। आज भी आजादी के बाद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं रोहतास गढ़ के लोग। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और इनकी समस्याओं को सुनते हैं। जा तुम जा कॉल बत्ती मांगे हमन के नहीं के कॉल बत्ती ऐसी जंगल में वहाँ बनी जाए। कौन गांव से आप आ रही हैं? यही गांव खा जात हमन के गांव में नहीं के घर वहाँ सिवान में बनी जाए। वो जंगल के एरिया बनी जाए। आपका क्या नाम है? सरिता देवी। ये पानी किस लिए ले आ रही है आप? पीने के लिए। तो क्या पीने के लिए पानी यहाँ से कई आपके गाँव में कोई चापाकल ये सब कुछ नहीं है? है पर पानी नहीं देती है। चापाकल से पानी नहीं मिलता है? नहीं, पानी खराब निकलता है। और यहाँ पे टंकी लगा हुआ है, ये कैसा है? अच्छा है, बाकी किस काम का नहीं है। हा? ये जो यहाँ पे टंकी सरकारी कोई चांपा कल वगैरह एक ठो उधर है, बाकी उसमें पानी नहीं मतलब कोई उपयोग में नहीं है वो पानी। अच्छा। आ, है जो तो इस पे देखिए, इस पे ना सोलर है ना कुछ है। आई है तो एक मतलब पानी कहाँ गांव में नहीं जाइए नहीं करता है, पानी निकल भी नहीं करता है। अच्छा ये बताइए क्या नीचे से गलतो नहीं है तभी ना पानी जहाँ पानी के परवस बा तहाँ से जाते नहीं है। हाँ। ऊपर ही से अपन हजरी बना करके अच्छा, चल जाता है। अच्छा आपके गांव में आज एक सभा हो रहा है, वहाँ पे सारे लोग अधिकारी लोग आए हैं, तो जाके आज कहिए वही गांव में बुलाया गया है। हाँ। अच्छा आपके गांव में स्कूल का क्या हाल है? कभी आते हैं? अरे कबो कबो नहीं आता है, कबो हमेशा होते बड़े। हाँ, बच्चे तो पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे तो पढ़ते हैं रोज। अच्छा 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 ये बताइए एक सवाल बताइए कि यहाँ से आप लोग बड़ बीमार पड़ती होंगी, तबीयत खराब होता होगा तो कहाँ जाती हैं आप लोग? नीचे। कैसे जाती हैं? टांग के झोली में लेकर, झोली में बना करके इसे एगो कान्ही पर यहाँ का लगे एगो हम लगाई लेकर के घाट उतरल जी सकत वसे साझे साझे ठकल जाई। आई हो पहाड़ के रीति बा देखते बानी भूखा पिजा से जाई ले जा घाट पहाड़ इतना ओवर बोली बात देखी जब पर्वत लोको तक कोई सुन नीचे से देखने देखने देखिए देखिए हमारा क्या हाल हुआ है। विपिन जी जरा दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं माँ जी, आप भी देखिए इस हकीकत को देखिए कि यहाँ तक आने में मैं ऐसा हो गया हूँ, इस दर्द में महसूस कर रहा हूँ कि ये लोग कैसी जिंदगी जी रहे होंगे। हमने के रोज बात हमने के का पोजीशन बा अब बताई जा बाकी का कर जाए। हमन के रोज के बाद हमन के इतना कटात हुई कोई ठिकाना बा हमन के जेल बिरथा में ना हम जेल बिरथे बा जी जिंदगी में। ग्राम सभा हर जगह होता है, आपके गांव से वहां लोग नहीं पहुंचते, तो ग्राम सभा में क्या क्या आपके गांव में विकास कार्य करना है और क्या पहले से हुआ है जानकारी दिया जाए और कौन काम किस तरह से होगा उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा कि आपके यहाँ सरकार के हर तरह के विकास कार्य स्कीम आपके यहाँ चलता है लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि हमारे पंचायत में क्या स्कीम मिल रहा है और हम लोग के कैसे उसका लाभ मिलेगा। जानकारी के अभाव में उस लाभ से आप वंचित रह जाते हैं, आपको कोई बता नहीं पाता है। इस विषय के लेकर के आज हम लोग यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किए हैं कि हर एक विभाग के बारे में, हर विकास कार्य के बारे में आपको आज हम लोग बताएंगे और हमारे बाद में कृषि समन्वयक दिनेश कुमार जी मंच का संचालन करेंगे और बारी बारी से सभी पदाधिकारी अपना परिचय देंगे कि किस विभाग से कौन पदाधिकारी आए हैं और आपका कौन काम किस विभाग से होगा और कहां से होगा, इसके बारे में आपको दिनेश जी बताएंगे। होगा यहां सभी पंचायत के पंचायत से संबंधित जितने भी पदाधिकारी कर्मी आए हैं आप उनसे कुछ चीज भी पूछ सकते हैं।
आइए, मैं कछुआर के गांव में हूं। यहां पे आज पहली बार एक ग्राम पंचायत सभा किया गया है, वो भी हमारे मुखिया जी जो हमारे नागेंद्र यादव साहब हैं और पूरी टीम को लेकर वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य विभाग से भी लोग आए हुए हैं, कुछ आंगनबाड़ी से भी आए हुए हैं और सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर आज जानकारी दी गई है कि आप योजनाओं का किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ, मुखिया जी लोगों से बात कर रहे हैं जी। आपने ग्राम पंचायत यहाँ पे किया है, कार्यक्रम किया है, काफ़ी भीड़ भाड़ देखने में लग रहा था, कौन कौन सी योजना के बारे में आपने यहाँ पे किया है? सबसे पहले तो आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि इस दुर्गम क्षेत्र में आपने यहाँ पहुँचने का काम किया, और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं उसको उजागर कीजिएगा। मुखिया जी आपने तो कहा कि दुर्गम क्षेत्र में आए हैं, नो डाउट सादिक इमाम नियाज़ी नेशनल न्यूज़ आपके साथ साथ चल रहा है, लेकिन एक तस्वीर विपिन में दिखा दूं, यहाँ से पीछे जाओ जरा सा, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि हकीकत में दिखा दूँ कि आज यहाँ तक पहुँचने में ये हमारे सहयोगी नेशनल न्यूज़ और नियाज़ी न्यूज़ का ये दोनों पैर डैमेज हो चुका है आज, और ऐसी जगह पे मैं कवरेज करने के लिए पहुंचा हुआ है नियाज़ी न्यूज़ और नेशनल न्यूज़, और मुखिया जी के इस कार्यक्रम को दिखा रहा है। वाकई कितने लोग यहाँ पे परेशानी हाल हो रहे हैं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, पावर नहीं है, भला बताए इनकी लाइफ कैसी होगी, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज यहाँ पे मुखिया जी एक यहाँ पे ऐसे अंधेरे में दिया जलाने का एक प्रकाश का यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि रोशनी हो और इन लोगों को फायदा हो। जी पहले मैं इजाजत हो तो पूछ लूँ जी, आपका नाम क्या है? फुलवादे। कहाँ के रहने वाली हैं? चाकड़े। आज आप मुखिया जी के पास आप आई हुई, क्या समस्या लेकर आई हुई हैं? और कहा है आल बन जाए, तो विधवा खाते हैं आल बन जाने के लिखा जाए तब मिले तो कुछ। आप विधवा हैं? हाँ। आपको राशि मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं है, मिला। तो आज आपने मुखिया जी से कहा? हले नाम मुखिया जी ले। चलिए, ये ऐसी ऐसी जनता आपके सामने आई हुई है और आपसे फरियाद की, विधवा है और अपने पेंशन के लिए आई हुई, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं सभी अपने ग्रामवासी को आज ये बताने का काम किया कि कभी भी यहाँ ग्राम सभा हुआ नहीं था, आज पंचायती राज विभाग का पहला बार ग्राम सभा मैंने यहाँ किया है और यहाँ के सारी समस्याओं से अवगत हुआ, और पेंशन वाली जो समस्याएँ आया है मेरे सामने वो सभी लोगों को मैंने दो दिन के अंदर यानी शुक्रवार को ही बुलाए हैं कि जितने विधवा हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं और उनका विकलांग सर्टिफिकेट, एक विधवा सर्टिफिकेट बना है, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो ले करके मेरे पास आएँ और इन लोग के हम तत्काल इन लोग के चालू कराने का काम करेंगे। सर, एक गांव में एक समस्या भी, मैं घूम रहा था, पानी पीने की प्यास की जरूरत पड़ी थी, तो मैं गया भाई एक जगह, तो एक महिला बोली क्या भैया पानी मत पीजिएगा, हम कहे क्या है, तो यहाँ का पानी गंदा है, पीने के योग्य नहीं है, अजब टाइप का स्मेल था, तो यहाँ के लोग कैसे पानी पीते हैं? अब पानी की समस्या बहुत अत्यंत मैंने गंभीर है, इसके लिए हम PID विभाग को इसका सूचना दे चुके हैं कि यहाँ पानी का तत्काल व्यवस्था किया जाए और नल जल का व्यवस्था किया जाए कि लोगों को सही पानी मिल सके। मुखिया जी, आपके पंचायत में सोलर प्लांट लगा हुआ है, 2 साल से बंद है, लोग कह रहे कि 2 साल से बंद है, बैटरी चेंज नहीं हो रहा है और पैसा मांग जा रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सोलर प्लांट जो लगाया है L&T कंपनी के द्वारा लगाया गया है, लेकिन एक वर्ष पहले भी उनको हमने लिख करके दिया था कि सोलर प्लांट हमारे पंचायत में कम से कम 10 गाँव में 1 साल से बंद है, और उनको हमने यहाँ से भेजा था, कुछ गांव में बना है, आज भी यहाँ टीम आने के लिए कहा था कि बैटरी खराब है, बैटरी हमने चेंज करेंगे और यहाँ चालू करेंगे, लेकिन वो टीम पहुँचा नहीं है, इस पर हम कल फिर उन लोग से बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं लोग पहुँचे, और यहाँ सोलर लाइट बनवाने का भी हम काम करेंगे। क्या आपकी समस्या है? समस्या यही बात, हमें मिलने नहीं के क्या नहीं मिला ही? क्या नहीं मिला आपको? अथु नहीं मिला। क्या अथु क्या होता है? खराती नहीं मिला। खराती खराती मेरा पैसे नहीं मिला। खैराती वृद्धा पेंशन? हाँ। आपका क्या नाम है? हाँ। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। सिकमारी कुमार। कहाँ के रहने वाली हैं आप? ये जो कछुआर के। विधवा हैं आप? हाँ। आपको पेंशन नहीं मिलता है? ना ही, 10 वर्ष 20 वर्ष हो गए, कोई लिखाई वाला नहीं है।
ये देखिए दो समस्या कि हमार कोई नहीं है गरजीवन, बच्चा बड़े छोटे छोटे हमन के जिए खाए के कैसे हम लड़का पढ़ाई कैसे हम खिलाई कैसे जियाई कि हमन के कुछ मैंने दिवाई कुछ। आपके पति हैं? जी पति नहीं है, विधवा हो गए हैं। आप विधवा हैं? हाँ, बच्चा बड़े छोटे छोटे है। तो क्या आपका विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है? आपका अधिकार नहीं। मुखिया जी ने कहा है कि आप दो दिन के बाद आइए, तीन दिन के बाद आइए। हाँ। और वहाँ पे अभी वादा किया है मेरे चैनल पे, और आप सबको बुलाए हैं, मैं भी बता दूं हमारे चैनल पे बोले हैं मुखिया जी से संपर्क कीजिए, ये आपका कार्य होगा, नहीं होगा तो हमें खबर कीजिएगा।